आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4,130.27 करोड़ की लागत से 886 ग्रामीण मार्ग एवं 6,208.45 किलोमीटर लंबाई के कार्यों का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 155 करोड़ की लागत से निर्मित 692 ग्रामीण मार्गों एवं 1,923 किलोमीटर लंबाई के रिन्यूअल कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को मिली रफ्तार। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लोगों से गोरखपुर न्यूज के माध्यम से की अपील। कहा, डेंगू से बचाव के लिए घर में या आसपास ना होने दे जल जमाव। लक्षण दिखने पर सरकारी अस्पताल में जांच के बाद करा ले इलाज। वायरल ऑडियो के आरोप सिद्ध होने पर एसएसपी ने उप निरीक्षक राहुल सिंह को लाइन हाजिर तथा मुख्य आरक्षी जितेंद्र प्रधान को किया निलंबित। एएसपी व सीओ कैंट ने दी जानकारी। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सप्त दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का 17 सितंबर से भगवान श्री राम श्री कृष्ण कथा का तात्विक विमोचन के साथ होगा शुरू। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो समापन समारोह में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजनाथ सिंह। महानगर के धर्मशाला अंडरपास तिराहे से तरंग ओवरब्रिज तक रेलवे ने जिला प्रशासन के सहयोग से कराया रेल भूमि की पैमाइश। संबंधित भूमि मालिक सोमवार को तहसील में रखेंगे अपना पक्ष। मंगलवार से शुरू होगी कार्यवाही। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले मीडिया से हुए रूबरू। दी विभागीय योजनाओं की जानकारी। कहा, 2022 में भाजपा के साथ गठबंधन की है उम्मीद। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई सोशल सेक्टर के संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की जांच करा कर मानक विहीन शिक्षण संस्थाओं पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाए शासन की योजना का लाभ। 10 दिनों तक चलने वाले साइबर क्राइम प्रशिक्षण कार्यक्रम का एसएसपी ने किया शुभारंभ। एसपी क्राइम सहित मौजूद रहे 475 पुलिसकर्मी। साइबर क्राइम के संबंध में दी गई जानकारी। प्रदेश में लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है संचालित। अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 15 लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 7,000 लाभार्थी उठा सके हैं लाभ। सीएमओ ने दी जानकारी। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक के जनपद में प्रथम आगमन पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह देकर किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में की गुरु गोरखनाथ की आराधना। कहा, भाजपा में है महिलाओं का सम्मान। 2022 में बनाएंगे प्रदेश में भाजपा सरकार। नगर निगम में आईटीआई पास प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप करवाने के संदर्भ में किया गया बैठक। अक्टूबर तक 501 आईटीआई पास प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप के लिए किया जाएगा चयन। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत सीओ कैंट राहुल भाटी ने कैंट थाने पर लगाया रात्रि चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित। कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। शेष मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की परिचयात्मक बैठक। कहा, युवाओं के दम पर 2022 विधानसभा के चुनाव में परचम लहराएगी भाजपा। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 28 केंद्रों पर 4,532 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,660 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,872 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। नगर निगम सदन के निर्माणाधीन भवन का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का लिया जायजा। नवम्बर तक भवन निर्माण को पूरा करने के दिए निर्देश।
गोरखपुर में बुधवार को मिले दो नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,410। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 15 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई भाजपा किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर किया गया विचार विमर्श, बनी रणनीति। और जनपद में बहने वाली तीनों नदियों के जलस्तर में गिरावट है जारी, लेकिन राप्ती नदी शाम को खतरे के निशान से मात्र 8 सेंटीमीटर है ऊपर। एडीएम फाइनेंस ने कहा 2 से 3 दिनों के भीतर स्थिति सामान्य होने के हैं आसार।